अशोक पाटलिपुत्र अशोक है, आपका बांकीपुर बस स्टैंड है, और तीसरा आपका सुल्तान पैलेस है। तो आपको याद होगा पहले इसकी स्वीकृति दी गई थी, और इसी को अकाम आगे बढ़ाने के लिए जो आयडा एक्ट है, आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी इनेबलिंग संशोधन अधिनियम 2023 पास हुआ था। बजट सत्र में ये अधिनियम पास हुआ था, तो उसी के आलोक में ये पीपीपी मोड में ये तीनों होटल का निर्माण होगा। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार के लोगों को एक बड़ी सौगात सीएम नीतीश कुमार की तरफ से मिलने वाली। आपको बताएं कि चर्चा तो पहले से ही थी, और अब आज उसको लेकर बिहार कैबिनेट से एक बड़ा फैसला सामने आ गया। बिहार की राजधानी पटना, जहां आहूमन हर रोज लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं, अपने काम काजों को करने के लिए लोग बाहर से आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां भी बिहार की राजधानी पटना में। ऐसे में रहने के लिए पटना में 5-स्टार होटल की कमी काफ़ी देखने को मिल रही थी। पटना के अशोका होटल में, और साथ ही साथ पाटलिपुत्र अशोका जो होटल था, काफ़ी पुराना ये होटल माना जाता है, उसके साथ ही और दो जगहों पर अब 5-स्टार होटल बनने के लिए स्वीकृति बिहार कैबिनेट ने दे दी है। पटना में होटल पाटलिपुत्र अशोक, बांकीपुर बस स्टैंड परिसर एवं सुल्तान पैलेस के जगहों पर अब 5-स्टार होटल बनेगी, जिसको लेकर बिहार कैबिनेट ने आज स्वीकृति दी है। पर्यटक विभाग की तरफ से बड़ा फैसला सामने आ गया। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं बिहार कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव क्या कुछ कह रहे हैं। निर्माण किए जाने हैं अशोक पाटलिपुत्र अशोक है, आपका बांकीपुर बस स्टैंड है, और तीसरा आपका सुल्तान पैलेस है। तो आपको याद होगा पहले इसकी स्वीकृति दी गई थी, और इसी को अकाम आगे बढ़ाने के लिए जो आयडा एक्ट है, आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी इनेबलिंग संशोधन अधिनियम 2023 पास हुआ था। बजट सत्र में ये अधिनियम पास हुआ था, तो उसी के आलोक में ये पीपीपी मोड में ये तीनों होटल का निर्माण होगा। तो कि जो पहले ये अधिनियम से पहले कैबिनेट ने स्वीकृत किया था पुराना, तो क्योंकि अधिनियम पास हो गया है, कैबिनेट ने इतना ही निर्णय लिया है कि जो भी कार्रवाई होगी यह आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी इनेबलिंग संशोधन अधिनियम 2023 के आलोक में की जाएगी पीपीपी मोड में, और इसमें अनुमानित करीब 1100 कमरे टोटल मिला के तीनों मिला के 5-स्टार होटल निर्माण अलग अलग। ये बहुत पुराना राज्य का निर्णय है, केवल उसमें जो प्रावधान है किस प्रकार इसका सेटलमेंट होगा, किस प्रकार इसमें पीपीपी का कार्य चलेगा, उसी के बारे में संशोधन हुआ है। और जो इनेबलिंग अधिनियम है 2023 में संशोधन हुआ था बजट सत्र में, उसके आलोक में कार्रवाई की जाएगी। उसमें जैसे 30 साल का एक्ट में प्रावधान था, तो अब 45 साल का पुराना स्वीकृत प्रस्ताव था, तो कितने साल तक उसको सेटल किया जाएगा, इस पर आयडा को शक्तियाँ प्रदत्त हैं। तो इस प्रकार के अनेक प्रावधान जो इनेबलिंग एक्ट में हैं, उसके आलोक में अब ये तीन होटल का निर्माण। तो आपने सुना साफ तौर से बिहार कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव को, जिन्होंने साफ साफ बताया है कि राज्य में पर्यटन विभाग की तरफ से पर्यटकों को आधुनिक सुविधा युक्त आवासन एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु पटना में होटल पाटलिपुत्र अशोक, बांकीपुर बस स्टैंड परिसर और सुल्तान पैलेस की भूमि पर आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी इनेबलिंग संशोधन अधिनियम 2023 के प्रावधानों के तहत 5-सितारा होटल के निर्माण एवं संचालन की स्वीकृति किए जाने के संबंध में। देखिए, 5-स्टार होटल दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और ना जाने किस राज्यों में है, मगर राजधानी पटना में 5-स्टार होटल की कमी काफ़ी देखने को मिल रही थी। बड़े बड़े लोग आ तो रहे थे, मगर 3-स्टार होटल में ही उनको रहना पड़ रहा था। मगर अब जो है पटना वासियों को, बिहार के लोगों को, देश के कोने कोने से जो लोग बिहार आते हैं, अब उनके लिए बड़ा तोहफा देने की तैयारी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने कर दी है। बड़ा डिस्काउंट बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।